हाय दोस्तों, मैं आरएनएस अपने यूट्यूब चैनल भारत आरएनएस टीवी पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेटेस्ट अपडेट, दूरदर्शन पर शुरू हुए पुराने शो, अब ये एक्ट्रेस मांग रही है प्रॉफिट में हिस्सा। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान लोगों के मनोरंजन करने के लिए दूरदर्शन पर 80S और 90S के कई पुराने शो एक बार फिर से शुरू किया गया है। पुराने टीवी शो की लिस्ट की बात करें तो रामानंद सागर का रामायण से लेकर बीआर चोपड़ा की महाभारत और डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के चाणक्य जैसे कई शो शामिल हैं। इन शो को जबरदस्त टीआरपी मिल रही है। इन टीवी शो ने अब तक टीआरपी के सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। वहीं अब दूरदर्शन पर रिलीज हुए शो के कुछ एक्ट्रेस रॉयल्टी की डिमांड कर रहे हैं। इस बात को लेकर अब प्रोड्यूसर्स और स्टार के बीच जंग छिड़ गई है। टीवी सीरियल बुनियाद में अहम रोल निभाने वाली फेमस एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने हाल ही में रॉयल्टी को लेकर अपनी बात सामने रखी है। पल्लवी ने डेक्कन हेराल्ड से बातचीत के दौरान कहा है, रॉयल्टी को लेकर बात तभी होनी चाहिए थी जब ये शो ओरिजिनली आए थे। इस शो को दोबारा से प्रसारित करने के लिए प्रोड्यूसर्स को पैसे मिल रहा है, उन्हें इसके प्रॉफिट को शेयर करना चाहिए क्योंकि वो इन शो को रीरन करने के लिए कोई एक्ट्रेस काम तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि रॉयल्टी नहीं होने की वजह से कई बार एक्टर्स को वो काम करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहते हैं। ये काफी पहले ही हो जाना चाहिए था। इसी इंटरव्यू में पल्लवी जोशी ने आगे कहा, चैनल ने कोई शो प्रोड्यूस नहीं किया है और इस शो को रीरन करने के लिए प्रोड्यूसर्स को भी जीरो मेहनत करनी पड़ रही है। जब प्रोड्यूसर्स को एक्स्ट्रा पैसे मिल रहा है तो उन्हें उसका कुछ हिस्सा एक्ट्रेस और टेक्नीशियन के साथ भी शेयर करना चाहिए, खासकर ऐसे वक्त में जब कुछ लोग अपने बच्चों का खाना खिलाने तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वही हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो पल्लवी जोशी की इस बात से रामायण की सीता यानी एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया भी इत्तफाक रखती हैं। पल्लवी जोशी की इस बात को सुनने के बाद चाणक्य के निर्देशक और उसमें लीड रोल निभाने वाले डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा है, रॉयल्टी का मुद्दा उठाने के लिए यह गलत वक्त है। जहां तक मैं जानता हूं कि ऐसे हालातों को देखते हुए प्रोड्यूसर्स ने कोई पैसे डिमांड नहीं किए, सभी इसे बिल्कुल मुफ्त में करने के लिए तैयार हुए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि ये रॉयल्टी देने के कंसेप्ट के खिलाफ नहीं हूँ, बस ये वक्त सही नहीं है ऐसी मांगे उठाने का। अगर नॉर्मल वक्त होता तो ये शो दोबारा रिलीज नहीं किए जाते और ये पहली बार नहीं है जब इन्हें री रिलीज किया गया है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल भारत आरएनएस टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।